हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की तरफ से जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यदि आप सभी भी बीएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप अपना जल्द से जल्द जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए एंड अपना देख लीजिए कि आपका जो है फिजिकल डेट कब है एंड सेंटर कहाँ है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो फॉर्म कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उन सभी को काफ़ी सारे कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि उनका जो है पासवर्ड गुम हो गया है, वो पासवर्ड भूल गए हैं। तो अपना जो है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, क्या उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा या नहीं होगा, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम स्पेशली यही बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं एंड गुम हो गया है तो आप सभी को क्या करना होगा, जो है पासवर्ड फिर से पाने के लिए आप सभी के यहाँ पे राइट साइड में आप सभी के यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप सभी को क्लिक करना होगा। तो चलिए आप सभी को हम दिखाते हैं फ्रेंड्स कि कैसे आप सभी को जो है करना होगा। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी जब कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप सभी को इंटरफेस खुल करके आएगा, ठीक है। तो आप सभी को इसमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसमें जो है ईमेल आईडी फिलअप करना पड़ता है, उसके बाद इसमें पासवर्ड फिलअप करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर आप सभी को आई एम नॉट ए रोबोट पर आप सभी को यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद आप सभी को लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप सभी को जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाता है। बट यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि काफ़ी कैंडिडेट को जो है ईमेल आईडी तो पता है कि मेरा ईमेल आईडी है, बट वो अपना पासवर्ड जो है भूल गए हैं, उनका पासवर्ड गुम हो गया, इनको पता नहीं है। तो आप सभी को फ्रेंड्स हम बता दें कि आप सभी को क्या करना होगा कि जिस साइबर कैफे से आप अपना फॉर्म को अप्लाई किए होंगे वहां से आप लोग अपना जानकारी ले सकते हैं। आप सभी को जो है ईमेल आईडी के यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगेगा। काफ़ी कैंडिडेट को डाउट होगा कि जब हम ईमेल आईडी जो अपना क्रिएट किए थे, बनाए हुए थे, उसी का यहाँ पे पासवर्ड लगेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप सभी को ईमेल आईडी लगेगा और जो साइबर कैफे में जो आप लोग जहाँ से फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो लोग अपना पासवर्ड एक देते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड आप सभी को जहाँ से आप लोग फॉर्म को फिलअप किए होंगे उनसे आप अपना पासवर्ड वहाँ पर पूछ लीजिएगा एंड आप सभी वहाँ से आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप जो है अपना यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल करके आप अपना यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बट काफ़ी कैंडिडेट को डाउट होगा कि वो खुद से अपने फ़ोन से मोबाइल से फॉर्म को अप्लाई किए होंगे तो उनको जो है पासवर्ड गुम हो गया है, भूल गए हैं, पता ही नहीं है, तो उनको क्या करना होगा। तो आप सभी को फ्रेंड्स हम बता दें कि यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन मिलता है देखने को, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करके देखते हैं, ओके। जब आप लोग फॉरगेट पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप सभी को इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। तो आप सभी की यहाँ पे क्या करना है कि आप सभी की इसमें ईमेल आईडी जो है फिलअप कर देना, ठीक है। फिलअप करने के बाद आप सभी को आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आप सभी को निकल कर आता है, ओके। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ईमेल आईडी इसमें जो है हम फिलअप कर दें। फिलअप करने के बाद आप सभी को आई एम नॉट ए रोबोट पे आप सभी को यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप सभी को जो है कुछ इस तरह से आप सभी को इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक कर देंगे आई एम नॉट ए रोबोट पे तो आप सभी को ऐसे ग्रीन जो है साइन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो है कुछ इस तरह से आप सभी को इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स जो है करेंगे तो आप सभी कुछ इस तरह से इंटरफेस आप सभी को नजर आएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखो, आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे अब क्या करना होगा, ठीक है। फिर से न्यू पासवर्ड आप सभी को बनाने के लिए आप सभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो आप सभी का जो है एक ईमेल पर ओटीपी जाएगा, ठीक है। ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आप सभी को फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर अपने से पासवर्ड एक न्यू क्रिएट करना है और याद भी रखना है, ठीक है। ये पासवर्ड यहाँ पर आप अपने खुद से डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉन्फर्म पासवर्ड पर डालेंगे, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे आप सभी को यहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना होगा। सेव कर देंगे तो फ्रेंड अपना जो है आपका पासपोर्ट न्यू क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी वहाँ पे जाकर के लॉगिन करके आप अपना यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी को हम दिखा देते हैं कि ईमेल पर जो है पासपोर्ट आया होगा आप सभी को कैसे दिखेगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं बीएसएफ की तरफ से जो है ओटीपी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ से ओटीपी की जो है कॉपी करके आप सभी को क्या करना होगा कि ले जाकर को वहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप सभी ओटीपी उसमें अपना जो है फिलअप कर देंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड न्यू क्रिएट पासवर्ड एंड कॉन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करके जो है सेव कर देंगे तो आप सभी को न्यू पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को फिर से बैक आना है एंड यहाँ पर अपना जो है फ्रेंड्स ई मेल आई डी फिलअप करना होगा, ठीक है। जो ई मेल आई डी से आप लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आप सभी को इसमें जो है अपना पासवर्ड जो अभी न्यू बनाया है उसको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे जो है लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप सभी को कुछ इस तरह से आप सभी को इंटरफेस नजर आएगा।
जब आप सभी फ्रेंड्स जो है उस पर क्लिक करेंगे ठीक है, तो आप सभी को कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा, जो कि आप सभी को एप्लीकेशन हिस्टोरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 29/1/2022 को एप्लीकेशन डेट अप्लाई हुआ था 2021, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, यहाँ पे पोस्ट दे रखा है, और उसके बाद यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आप सभी को नाम दे रखा है ठीक है। तो आप सभी को एक्शन बटन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो एक्शन बटन यहाँ पे नीचे की तरफ है ठीक है। तो आप सभी को इस एक्शन बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आप सभी को फिर इंटरफेस नजर आएगा ठीक है। ठीक है, तो आप सभी को कुछ इस तरह से इंटरफेस फिर खुल कर आएगा। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू पोस्ट डिटेल्स के बारे में दे रखा है, प्रिंट पोस्ट डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एडमिट कार्ड। तो आप सभी को प्रिंट एडमिट कार्ड पे जो है क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आप सभी को एडमिट कार्ड निकल करके आ जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया। आप सभी को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पर्सनल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट सेक्शन, एडमिट कार्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेसमेंट BSA 2021/22 फेज 1 PST एंड PAT के लिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे यदि कोई भी दिक्कत होता है एडमिट कार्ड डाउनलोड से रिलेटेड, तो आप सभी हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।